मामा जी माफ करो, मामा जी माफ करो, हाथ जोड़ने पड़े। अरे हाथ जोड़ो मामा जी, मामा जी से। हाँ मामा जी, इतने परेशान, मामा जी इतने परेशान हैं। अरे मामा जी माफ करो, मामा जी के सामने हाथ जोड़ने पड़े के हट जाओ। मामा जी के सामने हाथ भगा रहे हैं जनता, उनकी कोई जरूरत नहीं है निमाड़ी में। पिछले 15 सालों से बहनों ने मामा जी को आशीर्वाद दिया है, उन्हीं की बदौलत सरकार रही है, और वही बहनें मामा जी से कह रही हैं कि माफ करो, माफ करो मामा। 150 पार कमलनाथ जी की सरकार बन रही, 150 पार, कोई नहीं रोक सकता। जनता चुनाव लड़ रही है और सरकार पूर्ण बहुमत में बन रही है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी दल की। इस वक्त तो पूरे माहौल है जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। मामा जी ने कहा था कि सारा किसान खुशहाल हो जाएगा। आप बताओ, आज आप खुद सोच लो, किसान कितने कर्जे में है, किसानों कितनी परेशानी है। मामा जी के दिन पूरे हो गए, मामा जी गए, मामा जी गए। निवाड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं, अभी अभी यहाँ पर जो है सभा हुई है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश का हाल यहाँ पर जानेंगे, किस तरह का माहौल है मध्य प्रदेश। 150 पार कमलनाथ जी की सरकार बन रही, 150 पार, कोई नहीं रोक सकता। जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा। यहाँ पर आप ये देखो, 3 अगस्त से 20 साल से हम लोग यहाँ पर क्या थे, कुछ नहीं। आज खुद देख लो जनसैलाब। आप आज कमलनाथ जी ने जो कहा कि हम 1500 रुपया लाडली बहना को देंगे, 500 पावर तक की बिजली का किसान का कर्जा माफ करेंगे, 27 लाख किसानों का कर्जा उन्होंने माफ किया। अच्छा। और जिनने कह दिया वो बाद में हम करेंगे। आप देख लो, जनता कमलनाथ जी के साथ है और सरकार पूर्ण बहुमत में बन रही है, किसी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी दल की। मामा जी भी तो कह रहे देने के लिए। मामा जी ने केवल 18 साल में केवल जुमलेबाजी करी, केवल कई है और दाई नहीं है। केवल कमलनाथ जी ने कहा है, दिया कुछ नहीं है। इस वक्त तो पूरे माहौल है जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मोदी जी का भाषण मध्य प्रदेश में आकर उन्होंने कहा कि देश देखो, राष्ट्र देखो, और किस तरह से हमारी सरकार चल रही है, मामा जी का कार्यकाल देखो। देखा है साहब, 15-15 लाख रुपया खाते में आ गए हैं, जो मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपया खाते में आएंगे। बताओ जी, कोई खाते 15 लाख आएंगे? 15 रुपया नहीं आए, खुशी के लिए 1 रुपया। बताओ, मामा जी ने कहा था कि सारा किसान खुशहाल हो जाएगा। आप बताओ, आज आप खुद सोच लो, किसान कितने कर्जे में है, किसानों कितनी परेशानी है, उसको किसान ही जानता है। इस आज की तारीख में एमपी की भीड़ है, पूरी यूपी की नहीं है, ठीक है। बादनाथ अखिलेश जी आए थे, 60% यूपी के आदमी आते, ये पूरे एमपी के आदमी है, पूरे मध्य प्रदेश के, निवाड़ी विधानसभा के, पूरा मतलब जो है कांग्रेस की बदौलत है कि वृद्धा पेंशन 300 हटे, 600 रुपया करे थे। अब जो अगर कमलनाथ आ रहा तो 1000 हो जाएगी बुढ़े आदमी। आपके लिए जो यात्रा चलवाई है उन्होंने, आस्था का सम्मान रख रहे हैं। हाँ, सबका सम्मान रखते हैं भाई। मामा जी ने, हाँ जय जय कमलनाथ जी। मामा जी के दिन पूरे हो गए, मामा जी गए, मामा जी गए, मामा जी से दिग्गा का, दिग्गा का मामा जी को नाम ही नहीं ना, मामा जी तो निपट गए, गए बहुत दिना कर लो। एक एक ही हो, कैसे कैसे निवाड़ी विधानसभा के एक एक वोटर है यहाँ, बेकाऊ नहीं आया कोई, वहाँ से पैसे से खरीद गए। और कांग्रेस ये क्या मुद्दे रहेंगे, क्यों दे, सारे मुद्दे कमलनाथ जी के रहेंगे, सारे मुद्दे कमलनाथ जी के, जो मिलने अपने शपथ पत्र में कहा सारे मुद्दे। इनने निवाड़ी में गरीब आदमी का राशन आया था, कोरोना काल में गरीब आदमियों के लिए राशन आया था, वो किसी आदमी को मिला हो तो बता दो। सफाई मिली न, लेटर की सफाई के पैसा आज वे भी नहीं दिए। जिंदाबाद, कोई काम नहीं हुआ, केवल जुमलाबाजी, केवल भाषणबाजी। हमने ये योजना चालू, ये जो सौंदर्यकरण बताते हैं कि सब जो है सफाई, सौंदर्यकरण, कोई सफाई नहीं हो रही। कितना चलो, कितना कचरा देखा है, आदमी पैदल जा रहा गोठुआ गेला में, यही देख लो टीला में चल कर देख लो, चलो हम लोग चल रहा गाड़ी से, जनता नहीं गढ़ पा रही। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या भला, क्या भला की पार्टी 170 सीटें लेके आएगी, 170 1500 रुपया
1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा। किसान का 500 रुपये का बिजली माफ होगा, किसान का बिजली बिल माफ हो जाएगा। अब और क्या चाहिए किसान को, किसान के लिए क्या चाहिए? बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 500 रुपया 1000 रुपया मिलेगा, अब क्या चाहिए आदमी को? कहा हो जाएगा। अब मम्मा की 18 साल हो गई, मामा जी माफ करो, मामा जी माफ करो, हाथ जोड़ने पड़ रहे, हाथ जोड़ो मामा जी, मामा जी से, हाँ मामा जी, इतने परेशान, मामा जी इतने परेशान है, अरे मामा जी माफ करो, मामा जी के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे, हट जाओ, मामा जी के सामने हाथ भगा रहे हैं जनता, उनकी कोई जरूरत नहीं है निवाड़ी में, उन्हें नातों से ठेल दिया है मामा जी को, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, कमलनाथ चाहिए, कमलनाथ जय जय कमलनाथ। मामा जी अपनी बहनों को सम्मानित राशि दे रहे हैं, लॉलीपॉप लॉलीपॉप सब लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप कर दे, सब खाते बंद कर दे, सारे खाते बंद कर दे, गेहूं माला के खाते वो बिल नहीं बोले। 18 साल से बहने नहीं आई याद ने, 18 साल से बहने नहीं आया, आज 2 दिन बहने याद आई, हमें इतना जिंदाबाद बहने, पिछले 15 सालों से बहनों ने मामा जी को आशीर्वाद दिया है, उन्हीं की बदौलत सरकार रही है, और वही बहनें मामा जी से कह रही हैं कि माफ करो, माफ करो मामा, माफ करो, कहाँ गए थे मामा जी? पूरा प्रदेश दुखी है इनकी नीतियों से, पूरा प्रदेश। आप किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? भ्रष्टाचार, निवाड़ी का सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार, एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, भी विभाग जिले में हुआ है, और भाजपा सरकार में मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया, नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, यहाँ पर भ्रष्टाचार ही बहुत ज्यादा हो रहा है, खत्म हुआ है, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। हम ये कह रहे हैं आपके शिवराज सिंह ने 1000 रुपया दिया, तो उसमें से उनने आधा तो काट ही लिया खाते में, और पूरा नहीं दिया कभी, जो लाड़ ली जाती, सुन लो यार बात रखो अपनी, सुन लो लाड़ ली सुनो, जमाना जब्त होगी, 18 साल किने मरवाई, किसान ने मरवाई 18 साल, और कमलनाथ जिंदाबाद, वोट मिलेगा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 15 दिल्ली से ज्यादा 20 अगस्त बोला। पिताजी की पेंशन बनी थी वो भी बंद कर दी, विधवा पेंशन बनी थी वो भी बंद कर दी, क्या करें बात, क्या कारण है जी? बोलो क्यों बंद कर दी, क्यों बंद, हम लोग गरीब आदमी क्यों बंद कर दी, बोलो क्या बात है, बोलो बोलो क्या बात है, सरकार को कांग्रेस जीतने के लिए क्या मुद्दे है, क्या बेहतर लग रहा है, क्यों क्यों नहीं जीत रहे? देखो निवाड़ी का सबसे बड़ा मुद्दा है, 10 साल विधायक जी को हो गई, 10 साल में इतना बड़ा भ्रष्टाचार मचा है कि पूरे ऑफिस में त्राह त्राह मची है, हाँ सारे विभागों में, सारे विभागों में, कोई भी विभाग हो, सारे विभागों में 50% कमीशन, 50% कमीशन ये है। अब क्या करेंगे भाई साहब, 18 साल हो गई, हिम्मत कहाँ तक किसान रो पाएगा, राशन नहीं मिल रहा, परेशान है जनता, बिजली पर। एक बात मुझे बताइए, क्योंकि देखिए धर्म की राजनीति हर जगह होती है, मोदी जी राम मंदिर को गिनवा रहे हैं, मोदी जी अपने कामों को गिनवा रहे हैं, से लिया के बनवा रहा है जनता को, राम मंदिर से क्या लेने देने, नहीं नहीं मोदी का अपने बाप को लिया रहा है राम मंदिर, सुनो घर से बनवा दे जब कहेंगे, वो घर से बनवा दे जब कहेगी जनता कि आपने घर से बनवाया है, ये तो जनता का है, आप भी जनता के हो, हम भी जनता के, सब कोई जनता का है, अगर आप जनता में बात बराबर रखोगे, ने बनवा दिया वो मुख्यमंत्री बन गए तो वो बनाएंगे, हमारे अहमद भैया ने हर पंचायत में मंदिर बनवाया है, कुछ ही करवा में मंदिर बनवाया है, हर पंचायत में मंदिर बनवाया है, भैया ने मंदिर निजी पैसों से मंदिर बनवाया है, आप कुछ ही करवा में जाइए, पीओ जाइए, बागार जाइए, हर पंचायत में अहमद भैया तहसील हो, गांव हो, तहसील हो, नगर पालिका हो, कलेक्टेड हो, हर जगह दलाली है, बिना दलाली के कछु नहीं है, हर जगह दलाली है। हेलो भैया, अब नहीं भूल रहे विधायक जी,
ब्याह में कहूँ नहीं है, तेरे इंजन में जाना हाथ खा रहे। एक बार जा भी है ये कहते हैं कि हमारे हम आ जाएंगे तो क्या भागवत हो जाएगी? गरीबों को क्या बता दीजिए, अगर गरीब आदमी कोई आपको आपको गरीब आदमी कोई सम्मान से बुला रहा है तो आप ये कहोगे कि हम आ जाएंगे तो क्या भागवत हो जाएगी? हाँ ये बताइए, ऐसा विधायक होता है कहीं? बताओ हमें, बता दीजिए। हाँ बिल्कुल नहीं, उनका कोई समर्थन नहीं देंगे हम, तो कांग्रेस को देंगे और पूरी एमपी में आएगी, एमपी में आएगी, एमपी में आएगी, कांग्रेस पार्टी एमपी में आएगी।